तो पावर बीआई के अंदर में एक फॉर्मूला होता है कैलेंडर, कैलेंडर फॉर्मूला। अब जैसे कि आपके सामने डेटा दिख रहा है आपको, अब ये डेटा क्या है कि ईयरली है, मंथली है, सब दिख रहा है आपको। अब मुझे मान लीजिए कि एक महीने का डेटा चाहिए, सिर्फ 1 month का डेटा एक अलग टेबल पे चाहिए, बात समझ रहे हैं सर? या 1 month के मुझे डेली बेसिस पे एक रिपोर्ट क्रिएट करना है मंथ के हिसाब से, तो मुझे इसमें से मान लीजिए जनवरी का, मुझे जनवरी का डे पूरा डेटा, जनवरी का डेट डाल के उसके सामने। अब हो सकता है कि जनवरी का डेट यहाँ डुप्लीकेट हो, यूनिक ना हो, तो मुझे पूरा जनवरी को डेट वाइज टोटल चाहिए क्वांटिटी का, बात समझे? जनवरी महीने का डेट वाइज टोटल चाहिए। जैसे कि आप अगर इस पे जाए तो यहाँ मैट्रिक्स में हम यहाँ डालते हैं और यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं और यहाँ पे अपनी टोटल डाल देते हैं, क्वांटिटी डाल देते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये जो है पूरा का पूरा दिखा रहा है, ओवरऑल डेटा दिखा रहा है पूरे साल का, लेकिन मुझे पूरे साल का मार्च सब दिखा रहा है, बट मुझे यहाँ सिर्फ जनवरी का डेटा चाहिए, बात समझे? हम टेबल में सिर्फ जनवरी का डेटा डालना चाहते हैं। तो यहाँ फिल्टर का ऑप्शन है, फिल्टर भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं फिल्टर ऑप्शन में क्या, लोग फरवरी का डेटा भी देख लेगा, लेकिन नहीं, मैं रिपोर्ट में सिर्फ जैन का ही डेटा दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और एक नया टेबल, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट देता है आपका कैलेंडर फॉर्मूला, तो इसको अप्लाई हमेशा न्यू टेबल में करेंगे, न्यू टेबल के अंदर ही करेंगे। यहाँ पे जैन नाम का फोल्डर बना रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कैलेंडर, कैलेंडर स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट में हमने डाल दिया 1/1/2020 और एंड डेट में डाल दिया 31/31/2020, क्योंकि 2020 का डेटा है, इसलिए यहाँ पे हमने डाल दिया, अब बनेगा आ जाएगा। बट यहाँ कुछ नहीं आया क्योंकि हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं डाला है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिए। मुझे इसकी क्वांटिटी चाहिए तो मैं कॉलम ऐड करूंगा और यहां मैं क्वांटिटी डाला, और सेम रिपीट, अगर आपके आपको ऐसा लगता है कि मेरी वैल्यू रिपीट नहीं है तो लुकअप वैल्यू लगाएंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वैल्यू रिपीट है, मतलब जिन मंथ रिपीट है, तो यहां पे सम एक्स लगाएगा। तो अतीत जी समझे, सम एक्स कब लगाना है और लुकअप वैल्यू कब लगाना है? हाँ जी सर, तो मैं यहाँ क्या लगा के बताऊँ, सम एक्स या लुकअप वैल्यू? समय मैं क्या लगाऊँ यहाँ पे? रिपीट है सर, इससे समय लगेगा। तो लुकअप वैल्यू तभी लगेगा जब यूनिक है, याद रखिएगा, और सम एक्स आपका तब लगेगा जब डुप्लीकेट है, यूनिक और डुप्लीकेट दोनों पे लग जाएगा। तो मैं यहाँ सम एक्स ही लगा रहा हूँ, बट प्रॉब्लम यही है कि सम एक्स पे मुझे दो फॉर्मूले, फिल्टर फॉर्मूले को भी कंसीडर करना पड़ेगा, डेटा और यहाँ पे हमने बोला डेट, डेटा का डेट इक्वल टू जैन का डेट, और फिर मुझे क्वांटिटी का टोटल चाहिए, क्वांटिटी का। टोटल्स यहाँ पे आ गए, ठीक है? अब मैं इसको इजीली अपने विजुलाइजेशन पे डाल सकता हूँ। इसको लिया हमने, इसमें जैन से डेट को डाल लिया और इसकी क्वांटिटी डाल, मुझे मान लीजिए इसमें मुझे इसमें
क्वार्टर नहीं चाहिए, जनवरी या ये चाहिए मुझे, तो डे को यहाँ से डे रहना, यहाँ से हटा, यहाँ से आप हटा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। मैं वापस डेट को डालता हूँ यहाँ से, तो मुझे इसमें से क्वार्टर हटाना है, हमें क्वार्टर को हटा दिया। अब क्लियर है सर? क्लियर है सर। कोई चार्ट्स जी में सर भी, एकदम। हाँ कोई चार्ट्स में भी अगर आप डालते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे डेट, और मैं डाल देता हूँ क्वार्टर, और इसका एक और फीचर कहिए, या एक मिनट ये डाल दिया, देखिए क्या ईयरली आ गया, तो मैं इस पर क्लिक किया, मंथ हटा देता हूँ, डे हटा देता हूँ, ईयर हटा देता हूँ, ठीक है सर, आ गया। इस तरह की विजुलाइजेशन पे इसका काम आप कर सकते हैं। अब इसमें एक फॉर्मूला और है, कैलेंडर ऑटो। क्लोटो क्या करता है, फाइनेंशियल ईयर एंड यहाँ पे देना होता है, ठीक है सर। चलिए इस फॉर्मूले को भी देख लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर एंड, नहीं फाइनेंशियल नहीं है, फिजिकल ईयर एंड, माफ कीजिएगा, फिजिकल ईयर एंड। तो हम यहाँ पे एक और टेबल बनाते हैं, सॉरी कॉलम बन गया, हम यहाँ टेबल टूल में आते हैं, और यहाँ हम देते हैं न्यू टेबल, और यहाँ पे हम 2020 कर देते हैं, और यहाँ पे कैलेंडर ऑटो, और कैलेंडर ऑटो में मैं यहाँ डाल देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा में 12/31/2020, बोला है टेक्स्ट टाइप इन इंटीरियर, ओके फिजिकल ईयर एंड मंथ, माफ कीजिएगा मुझे यहां मंथ देना है, एक तारीख से स्टार्ट हुआ, 1/2020 से, और पूरे साल का डेट आपको 31 तक का दे दिया, दिख गया सर? तो इस साल का डेटा दे दे, जिस डेटा को देखता है उसमें कौन सा डेट है, साल का डेटा, पूरे साल का डेट दे देता है। अब इसके आगे क्या करना आप कर ही सकते हैं, ओके?